हेलो स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और जो मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वो कितने होते हैं, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट विच इज़ बींग मेजर्ड इन मैग्नीट्यूड इज़ नोन एज वेरिएबल। बता रहा है कि किसी यूनिट के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम मेजर्ड कर सकते हैं मैग्नीट्यूड्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो ऑफन चेंज इन टेक प्लेस इन इट, यानी कि जिनमें क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइट ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो प्लस टू के स्टूडेंट्स की अगर हम हाइट नापेंगे तो क्या होगा, सबकी हाइट जो है वो अलग अलग निकलेगी, ठीक है। सो इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, मेजरमेंट ऑफ हाइट ऑफ प्लस टू क्लास स्टूडेंट विल प्रेजेंट अस विद वेरिएबल हाइट, ठीक है। सबकी हाइट क्या होगी, अलग अलग होगी, ऐसा तो नहीं है ना सबकी हाइट सेम हो सकती है, नहीं। तो वेरिएबल्स टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरे होते हैं कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। नेम देखो, डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से वेरिएबल होते हैं, ऐसे वेरिएबल जिनको हम किस में मेजर करते हैं, होल नंबर में। कहने का मतलब है कि जिनको हम अगर हम प्रेजेंट करें तो किस नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं, होल नंबर में। होल नंबर जैसे आप बात करें 0, 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, ठीक है, बट नॉट इन फ्रैक्शन, हम उनको फ्रैक्शन में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बोलें कि किसी फैमिली में 3 चिल्ड्रन है, ठीक है, या तो हम बोल सकते हैं 3 चिल्ड्रन है, या हम बोल सकते हैं 2 चिल्ड्रन है, बट हम ये नहीं कह सकते कि किसी फैमिली में 2.5 चिल्ड्रन है। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो हम इसमें क्या करते हैं, होल नंबर ले सकते हैं बट फ्रैक्शन नहीं ले सकते। सो इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्रैक्शन, इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हम जंप कर सकते हैं, यानी कि 5 के बाद 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 16 आ सकता है, 24 आ सकता है, बट हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। कहने के लिए अगर हम कह सकते हैं कि एक पर्सन के पास कितनी कार है, या तो 1 कार है या फिर 5 कार है, हम ऐसे नहीं कह सकते कि उसके पास 4.5 कार है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल्स की। तो कंटिन्यूस वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम शो कर सकते हैं किसमें, फ्रैक्शन में, ठीक है, यानी कि पॉइंट्स में हम उनकी वैल्यू शो कर सकते हैं। अगर एग्जांपल के उसमें बोले तो हाइट निकालते हैं स्टूडेंट्स की, तो हम बोलते हैं 6.5, यानी कि 6 फीट और 5 इंच। इसी तरह से अगर हम वेट की बात करें तो हम निकाल सकते हैं वेट जो है स्टूडेंट्स का कितना कितना वेट है, ठीक है, वो भी हमारे पॉइंट्स में मेजर हो जाता है। तो डिस्क्रीट वेरिएबल्स में हम उनको फ्रैक्शन में नहीं कर सकते, बट कंटिन्यूस वेरिएबल्स को हम यूनिट्स को फ्रैक्शन में शो कर पाते हैं। फिर बात कर लेते हैं मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, यानी कि क्वांटिटेटिव कौन सी क्लासिफिकेशन होती है जिसमें हम किसकी बात करते हैं, न्यूमेरिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम क्वांटिटी में शो कर सकते हैं। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। देखो, क्लासिफिकेशन अगर हम एटीट्यूड के बेस पे करें, एट्रीब्यूट्स के बेस पे करें, क्वालिटी बेस पे करें, तब तो हम नहीं कर सकते उसको। तब तो हमने क्या किया था एट्रीब्यूट के बेस पे, तो हमने किया था मैनीफोल्ड, ठीक है, पढ़ा था ना हमने, टू टाइप से कर सकते हैं। फिर अगर आगे हम टू को भी आगे डिसाइड करते हैं तो वो हमारा मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन होता है। बट क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, हम टू मेथड्स का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हमारा होता है रॉ डाटा, दूसरा होता है हमारा स्टैटिस्टिकल सीरीज। रॉ डाटा का मतलब क्या होता है, रॉ का मतलब होता है कच्चा, और डाटा का मतलब जो हम इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होती है। इसके बारे में हमने पढ़ा था जब हमने फर्स्ट हैंड डाटा पढ़ा था, तो हमने बताया था कि जो ये इन्फॉर्मेशन होती है जिसे हम प्राइमरी डाटा कहते हैं, वो हमारा रॉ डाटा होता है, जिसको कौन कलेक्ट करता है, इन्वेस्टिगेटर। वो अपनी कौन सी फॉर्म में होता है, ओरिजिनल फॉर्म में होता है, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म का कहने का मतलब है जैसा डाटा कलेक्ट किया उसी फॉर्म में, अभी हमने उसको कोई चेंजेस नहीं किया, नहीं हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया, ना ही कोई सीक्वेंस किया, ठीक है। ये कैसा डाटा होता है, क्योंकि ये रॉ डाटा इसलिए कौन सा होता है, अनऑर्गेनाइज। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है 30 स्टूडेंट्स की, तो देखो बेटा ये अलग अलग हाइट है, 160 है, 138 है, 144 है, कहीं कुछ हाइट है, कहीं और कुछ और है। तो ये हमारा क्या है कि ये हमारा रॉ डाटा है, बट अगर इसको मैं, इस डाटा को मैं अगर एक सीक्वेंस में चेंज कर दूँ, ठीक है, जैसे कि असेंडिंग ऑर्डर में हाइट बता दूँ, डिसेंडिंग में हाइट बता दूँ, तो वो मेरा क्या बन जाता है, वो मेरे बन जाती है स्टैटिस्टिकल सीरीज। सो स्टैटिस्टिकल सीरीज आर दोज वेयर डाटा हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ सीक्वेंस। हमने क्या करते हैं, सीक्वेंस में उसको अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सम क्वांटिटी और एट्रीब्यूट्स। एग्जांपल, वी कैन प्रेजेंट मार्क्स इन स्टूडेंट ऑफ
प्लस वन क्लास अकॉर्डिंग टू देयर रोल नंबर। जैसे कि मान के चलें अगर हमें किसी क्लास के मार्क्स बताने स्टूडेंट्स के, तो हम उसको रोल नंबर वाइज कर सकते हैं कि रोल नंबर वन के कितने हैं, टू के कितने, एक्सेट्रा। ऐसे ही हम हाइट को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज़ की। जो स्टैटिस्टिकल सीरीज़ है वो कितने तरह की हैं। सो एज स्टेटेड अबव दिस सीरीज़ मे बी ऑफ वेरियस टाइप, बहुत तरह की हो सकती है। मेनली दीज आर ऑफ टू टाइप्स एंड देन दीज टाइप्स मे बी सब डिवाइडेड एज बिलो। बता रहे हैं कि मेनली तो दो तरह की होती है और उसके बाद हम उसको आगे और सब डिवाइड कर लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू करेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के आधार पर, एट्रीब्यूट्स के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर हम बताएँ तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात करें एट्रीब्यूट्स की, तो हमारी जो सीरीज़ होती है वो किस तरह से डिवाइड है। ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स पे टाइम सीरीज़ है हमारी, स्पेशियल सीरीज़ है और कंडीशनल सीरीज़ है। ठीक है बेटा, और बात करें अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रक्शन पे, तो कंस्ट्रक्शन के बेस पे हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ और फ्रीक्वेंसी सीरीज़। इंडिविजुअल सीरीज़ वो सीरीज होती हैं जिनके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी सीरीज़ कौन सी होती है, जिनमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। तो जो फ्रीक्वेंसी सीरीज़ होती है वो भी दो तरह की होती है, यूनिवेरिएट सीरीज़ और बाईवेरिएट सीरीज़। हमारे इस चैप्टर में हम सिर्फ यूनिवेरिएट सीरीज़ की ही बात करेंगे, ठीक है बेटा। यूनिवेरिएट सीरीज़ में आता है डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। जो डिस्क्रीट सीरीज़ है उसमें क्या आ जाएंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल, जंपिंग वाली बात, और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में क्या आ जाएगा, क्लास इंटरवल। तो कॉन्टीन्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में हम बात करेंगे क्लास इंटरवल्स की। यानी कि अब क्लास इंटरवल्स हमने पढ़े ना 0 to 10, 10 to 20, वो हमारे क्लास इंटरवल्स में आ जाएंगे। और डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या आता है, जो एक्स की वैल्यू होती है 10, 20 ये हो सकती है, 25 हो सकती है, कुछ भी, वो हमारी क्या आ जाती है, डिस्क्रीट सीरीज़ की। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो हम मेन पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन बेस पे पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ और दूसरी कौन सी, हमारी फ्रीक्वेंसी सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। जैसे कि अगर मान के चलो हमें बच्चों के मार्क्स निकालने हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर। तो रोल नंबर तो हमें पता ही है 1, 2, 3, 4, तो उसके अकॉर्डिंग हम मार्क्स लिख देंगे। इधर देखो क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर हाइट दी हुई है। तो बेटा इसमें कोई एफ फ्रीक्वेंसी की बात नहीं है कि कितनी टाइम कोई वैल्यू आई है बार बार। जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रिपीटेड आइटम्स की, कितनी बार आइटम जो है वो रिपीट हुई है, ठीक है। बट लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी तो गिवन नहीं होती, तो अकॉर्डिंग टू रोल नंबर लिखा रहा है, तो इसमें सिर्फ एक ही को हम लेकर चलते हैं, ठीक है। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे इसमें, सिर्फ और सिर्फ हाइट की, ठीक है। सो इन दिस केस वी शो द यूनिट सेपरेटली, अलग अलग शो करते हैं। सपोज वी वॉन्ट टू मेजर द हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास विद 30 स्टूडेंट, देन दिस कैन बी मेजर इन टू मैथड। दो तरह से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू हाइट भी कर सकते हैं, कि इंक्रीजिंग यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कर दें, ठीक है। फिर बस आगे बताया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू, अगर हम मैग्नीट्यूड के हिसाब से कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, हम सबसे पहले छोटा लिखेंगे और लास्ट में सबसे बड़ा लिखेंगे। और अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग में करें तो सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा और लास्ट में सबसे छोटा। पता है ना असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में हम पहले स्मॉल लेते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना। और जो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है उसमें हम क्या करते हैं, पहले सबसे बड़ा लेते हैं, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। तो बस यही बताया हुआ है इसमें। और अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी सीरीज़ में, तो इसमें हमें क्या दी होती है, फ्रीक्वेंसी दी होती है। और जो हम दो तरह से निकालते हैं, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। अब बात कर लेते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, कि कौन कौन से वर्ड्स जो हैं वो इसमें हमें सीखने को मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट वर्ड आता है इसमें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जो आइटम बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है, तो कितने टाइम्स रिपीट होती है वो हमारी क्या बन जाती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ द फिगर दैट अक्योर्स अगेंस्ट अ वेरिएबल और क्लास इंटरवल। यानी कि नंबर ऑफ फिगर के, जो फिगर है वो कितनी बार आई है अगेंस्ट अ वेरिएबल और क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ रिपीटेड आइटम की कितनी बार वो रिपीट हुई है सेम आइटम। इन डिस्क्रीट सीरीज इट इज़ अगेंस्ट वेरिएबल एंड इन कंटिन्यूस सीरीज इट इज़ अगेंस्ट क्लास इंटरवल। मैंने आपको बताया आपको क्लास इंटरवल क्या होते हैं, 0 to 10, 10 to 20, वो हमारे क्या होते हैं, क्लास इंटरवल्स। अब देखो बेटा ये जो आपके ऊपर टेबल बनी हुई है इससे मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखो जो डिस्क्रीट सीरीज होती है उसमें मैंने आपको बताया था पूरे पूरे नंबर होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, इनको हम कंटिन्यूस सीरीज में नहीं कर सकते, हम नहीं इनको पॉइंट्स में डाल सकते। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे होल नंबर्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं,
डिस्क्रीट सीरीज में जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करें कंटिन्यूस सीरीज़ की, तो देखो बेटा 40 to 50, तो ये जो 40 है ये 50 है, ये क्लास है, ठीक है। और क्लास इंटरवल क्या हो जाता है, जो इनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। 40 to 50 में कितने का डिफरेंस, 10, तो 10 क्या हो गया हमारा क्लास इंटरवल। तो यही आगे बता रखा है कि क्लास क्या होता है, इन कंटिन्यूस सीरीज वी पुट द डाटा अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द आइटम, इट इज़ प्लेस अकॉर्डिंग टू इट्स साइज विद इन द रिक्वायर्ड लिमिट्स, ठीक है। तो साइज़ बताया जाता है, जैसे हमने कितना लिया 40 to 50 में कितने बॉयज़ हैं, 15 है, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो हमारी दी हुई, ये हमारी क्या है, 40 और 50 क्लास है। इसके बाद क्लास इंटरवल के बारे में भी बता चुकी हूँ मैं। क्लास इंटरवल क्या होता है, जो अपर और लोअर लिमिट है, जैसे लोअर लिमिट 60 है, अपर 70, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, इसको हम क्या कहते हैं, क्लास लिमिट। सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्लास इंटरवल, ठीक है। फिर आता है नंबर ऑफ क्लास इंटरवल। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल में क्या होता है कि व्हेन डाटा इज इंडिविजुअल एंड वी हैव टू पुट इन इनटू कंटिन्यूस सीरीज, वी मस्ट बी एबल टू पुट इनटू डिजायर सीरीज, सो एज इट मे नॉट लुक ऑकवर्ड। वो बता रहा है कि अगर मान के चले कोई इंडिविजुअल सीरीज में डाटा दिया, अगर उसको हम चेंज करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल की बात कर रहा है कि हम उसको क्या करते हैं, जो इंडिविजुअल डाटा दिया हुआ है, अगर हम उसको कंटिन्यूस सीरीज में चेंज कर देते हैं, तो कहते हैं जो हम रिजल्ट हम चाहते हैं वो हमें मिल जाते हैं, और वो देखने में ऑकवर्ड भी नहीं लगता। वी डोंट हैव एनी परमानेंट रूल और लॉ अबाउट इट, बट वी यूज़ अ फार्मूला डिवाइस बाय, बता रहा है कि एक फार्मूला है जो हमें दिया हुआ है, उसके थ्रू हम क्या कर लेते हैं, इंडिविजुअल सीरीज को भी क्लास इंटरवल में चेंज कर लेते हैं, और उस फार्मूले का नाम है एन इज इक्वल टू 1+3.222 लॉग एन। ये बेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसको नॉर्मली बता रखा है, बस एक तरीके से देखो, जैसे आपको चेंज करना है तो उसके बारे में बता रखा है कि देखो नंबर ऑफ क्लास इंटरवल यहाँ पे हमने निकाल लिए, फार्मूले का यूज़ किया, नंबर ऑफ आइटम सीरीज, तो ये पूरा पूरा फार्मूला लगाया जाता है इसमें। देखो आपके कुछ नहीं दिया हुआ था, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज थी, और इस फार्मूले का यूज़ करके आपने क्या निकाल लिया, क्लास इंटरवल्स, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि वैल्यू दी हुई है तो मैंने आपको बता दिया। फिर बात कर लेते हैं मिड वैल्यू की। मिड वैल्यू आप सबको पता ही है क्या होता है, क्या होता है मिडल वैल्यू, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। जैसे मान के चले अपर लिमिट कोई, तो लोअर लिमिट हमारी 60 है, अपर लिमिट हमारी 70 है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो 60 70 130 डिवाइडेड बाय 2 इज 65, तो ये हमारे क्या निकल जाता है, ये हमारा निकल जाएगा मिड वैल्यू। टेलीबार्स के बारे में आप सबने बहुत अच्छे से पढ़ा ही है क्या होता है। टेलीबार में हम काउंटिंग करते हैं कि कितनी बार आइटम रिपीट हुई है, फिर उसको हम कट लगाते हैं, जैसे 1 2 3 4 और 5 पे कट लग जाता है, ठीक है, ये उसके बारे में ही है। जैसे इसमें बताया हुआ, देखो 1 2 3 4 5 का कट नहीं दिया, तो लगा 6 7, तो 7 फ्रीक्वेंसी होगी। ये हमें कैसे पता चलता है, जितनी बार मान के चलो आपको 100 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है, ठीक है, और 6.7 हाइट कितनी बार रिपीट हुई है, उससे हम पता चल जाता है कि कितने टैली बार्स लगाने हैं। मान के चलो किसी स्टूडेंट की हाइट है जो है 6.7 है, वो 10 स्टूडेंट की है, तो आप 10 के बार क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आप यहाँ पे लिख सकेंगे 10, इस तरह से निकालते हैं। मतलब कहने का ये है कि टैली बार के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी इजीली निकाल पाते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी प्रिपेयर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इंडिविजुअल डाटा, आफ्टर टेकिंग डिसीजन अबाउट द नंबर ऑफ क्लास इंटरवल, वी पुट टैली मार्क 1 by 1 अगेंस्ट ईच रिस्पेक्टिव इंटरवल, और वी ड्रॉ 1 वर्टिकल स्मॉल लाइन। बता रहा है कि मान के चलो ये हमने क्लास इंटरवल बना लिए हैं, तो इसमें कितनी हाइट वेरिएबल जो है वेरी कर रही है, उस हाइट को, जैसे 10 टू 20 में कितने बार ऐसा हुआ है कि पहली बार आए, तो हम क्या करेंगे, मान के चलो कि 10 टू 20 में 7 आइटम्स ऐसी हैं जो आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमने टैली बार्स खींचे और उनको काउंट करके हमने यहाँ पे अपनी फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब बात करें टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो एक है यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरी कौन सी है, बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो बेटा, जो हम इस चैप्टर में बात करेंगे वो सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, यूनिवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो कि दो तरह की होती है, मैंने बताया था कौन कौन सी, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टीन्यूस सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता ही है कि इनको हम किस में शो नहीं कर सकते, इनको हम फ्रैक्शन में शो नहीं कर सकते, ठीक है। सो वी आर टू इफ वी आर टू प्रिपेयर डिस्क्रीट सीरीज फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज और डाटा, इट इज़ बेटर टू प्लेस वैल्यूज इन असेंडिंग ऑर्डर। अभी मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, क्योंकि जंपिंग वैल्यूज होती है, इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, हम इसको फ्रैक्शन में शो नहीं कर सकते, ठीक है।
फिर बात करते हैं कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ की पता है किस में होती है, हम पहले बात करें हैं इसके बारे में कि ये क्या होती है। कॉन्टीन्यूस सीरीज़ क्लास इंटरवल फॉर्म्स में होती है, ठीक है, और इसको हम पॉइंट्स में भी शो कर सकते हैं। तो इट इज़ अ सीरीज़ दैट डील्स विद कॉन्टीन्यूस वेरिएबल्स, ठीक है। हैंस इवन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ कैन बी प्लेस इन कॉरिस्पॉन्डिंग क्लास इंटरवल्स, ठीक है। हम चाहे तो फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी लगा सकते हैं, बट क्योंकि अपनी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, क्लास इंटरवल का यूज़ करते हैं। हेयर क्लास इंटरवल्स आर टेकन इंस्टेंट ऑफ द वेरिएबल्स एंड टैली बार्स आर पुट अगेंस्ट दिस इंटरवल्स। वही अगर मुझे निकालनी है कि कितनी फ्रिक्वेंसी है, तो उतने टैली बार्स में खींच लूँगी। जैसे 0 to 20 क्लास इंटरवल्स है, इसमें मुझे देखना है कि कितनी आइटम्स आई है। मान के चल रहे हैं 4 आए, तो 4 किया 1, 2, 3, 4 और 4 फ्रिक्वेंसी मैंने लिख दी। जैसे 0 to 20 इधर है और इधर ये सारी वैल्यूज़ दी हुई है, इसमें से देख लेते हैं कि 0 to 20 में से कितने आए। जैसे 11 आ चुका है, 1, 0 हमारा 3 आ गया, 3 देखो इसमें 3 ही आइटम्स है और इधर क्या लिखा हुआ है, F4। तो यहाँ पे अगर हम ठीक करना चाहे करेक्शन कर लेना, तो 1, 2, 3 आइटम है, ठीक है। ऐसे इस तरह से हम सारी निकाल लेते हैं। जैसे 1, 2, 3 आइटम चाहिए ना, देखो 3 आया, 0 आया और 11 आया, और कोई आइटम मुझे तो दिख नहीं रही है जो 0 to 20 में आई है। तो हमने इसलिए कितना कर दिया टैली बार्स, 1, 2, 3 और फिर फ्रिक्वेंसी कितनी डाल दी, 3 डाल दिए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस सीरीज़ की, कि कितनी तरह के कंटिन्यूस सीरीज़ होती हैं। एक होती है हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज़। बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसकी लोअर वैल्यू दूसरे वाले की अपर वैल्यू बन जाती है। फिर इंक्लूसिव सीरीज़ जिसमें अपर और लोअर वैल्यू दोनों अलग अलग होती है। एक होती है हमारी ओपन एंडेड सीरीज़ जिसमें हमारी या तो अपर वैल्यू नहीं दे रखी होती क्लास इंटरवल्स की, या फिर हमें लोअर वैल्यू नहीं दे रखी होती। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो होती है जिसमें हम ऐड करके फ्रीक्वेंसी को निकालते हैं। मिड वैल्यू जिसमें हम मिड वैल्यूज़ को लेते हैं। और फिर क्या हमारी अनइक्वल जिसमें वैल्यूज़ इक्वल नहीं होती। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो देखो बेटा एक्सक्लूसिव सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जिसमें क्या होता है कि जो क्लास इंटरवल की अपर वैल्यू है वो दूसरे वाले क्लास इंटरवल की लोअर वैल्यू बन जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज़। एक्सक्लूसिव सीरीज़ सच एज 0 to 10, 10 to 20 इज नोन एज एक्सक्लूसिव सीरीज। इन सच सीरीज अपर लिमिट ऑफ वन इंटरवल इज द लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट इंटरवल्स। क्लियर हो गया होगा आपको कि 0 to 10 ये इसकी अपर लिमिट क्या है। अपर लिमिट हमारी 10 थी, तो ये दूसरे वाले की क्या बन गई है, लोअर लिमिट। अब बात करें इंक्लूसिव सीरीज की, तो इंक्लूसिव सीरीज में क्या होता है बेटा, जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है वो अलग अलग, अपर वैल्यू और जो लोअर वैल्यू होती है वो दोनों अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम इस क्लास इंटरवल की बात करें, तो देखो 5 और 9 था, इधर कितना आ गया, 10 आ गया। अब क्या करना होता है कि जब हमारे पास इंक्लूसिव सीरीज़ होती है ना, तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते फ्रीक्वेंसी का। तो हमें जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है उसको किस में चेंज करना पड़ता है, एक्सक्लूसिव सीरीज़ में। इस सीरीज़ को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो 5 और 9 है यानी कि जो लोअर वैल्यू है उसमें से 0.5 माइनस कर देते हैं, और जो अपर वैल्यू है हमारी उसमें से 0.5 ऐड कर देते हैं। जैसे देखो 5 में से 0.5 माइनस किया तो 4.5 वैल्यू आ गई, और 9 में 0.5 ऐड कर दिया तो 9.5 वैल्यू आ गई। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हमारी जो इंक्लूसिव सीरीज़ होती है उसको हम एक्सक्लूसिव में चेंज कर लेते हैं। अगर बात करें ओपन एंडेड सीरीज़ की, तो ओपन एंडेड सीरीज़ में क्या होती है, या तो आपको लोअर वैल्यू नहीं दे रखी होती, अपर वैल्यू नहीं दे रखी होती। जैसे देखो बेटा क्लास इंटरवल है, इसमें या तो लेस देन 10 लिखा है, ठीक है, फिर 10 to 20, 20 to 30 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम गैस कर लेते हैं क्योंकि क्लास इंटरवल बराबर है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। या फिर क्या नहीं दिया होता, अपर वैल्यू नहीं दे रखी होती लास्ट वैल्यू की, तो अपर वैल्यू नहीं दे रखी, इसका मतलब क्या है, हमने गैस लगा लिया है कि जो 52 नेक्स्ट वैल्यू हमारी 60 होगी, क्योंकि क्लास इंटरवल का गैप कितना है, 10 है, ठीक है बेटा। फिर बात कर लेते हैं हम क्यूमुलेटिव सीरीज़ की। देखो क्यूमुलेटिव सीरीज़ में क्या होता है, हम ऐड ऑन करके चलते हैं। एक बार हम निकालते हैं मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एक क्या निकालते हैं, लेस देन। तो लेस देन में हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी में ऐड करते हुए चलते हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। तो देखो इधर क्यूमुलेटिव सीरीज, इन दिस टाइप ऑफ सीरीज द फ्रीक्वेंसी इज नॉट पुट अगेंस्ट द इंटरवल कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट वन, बट इज क्यूमुलेटिव एज शोन इन द टेबल। क्यूमुलेटिव ऐड करते चलते हैं। जैसे क्लास इंटरवल लेस देन और नॉट अबव, अगर हम निकाल रहे हैं लेस देन और नॉट अबव 10, इसका मतलब 0 to 10 हो गया तो 3,
लेस देन नॉट अबव 20 निकाल रहे हैं तो 12। तो अगर इसकी हम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि 10 टू 20 कितनी है, तो 12 में से क्या करेंगे हम 3 माइनस कर देंगे, तो हमारी फ्रिक्वेंसी तो है 9 बट क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी 12। एक बार फिर समझ लो, मान के चलें लेस देन और नॉट अबव 30, यानी कि 30 ऐसे 0 टू 10 की बात नहीं करें कि अब तक 30 टर्म्स ऐसी हैं जिसमें जिनकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 28, यानी कि ये हमारी क्या है क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कि 20 टू 30 कितने हैं क्लास इंटरवल्स में, तो मैं 28 में से 12 को माइनस कर दूंगी, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 16। तो इस तरह से बेटा क्या निकालते हैं हम, क्यूमुलेटिव सीरीज निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में क्या होता है, अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है तब तो हम लेस कर देते हैं, ठीक है, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है और ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर दिया माइनस कर, ठीक है। बट अगर हमें फ्रीक्वेंसी से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम ऐड ऑन करके चलते हैं, जैसे 3 और 9 12, 9 और 16 28, 16 और 21, आगे ऐसे क्या करते चलते हैं हम ऐड ऑन करके चलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी वैल्यूज़ होती है वो निकलती चलती है, क्या मेरी बात समझ में आ रही होगी आई होप, कि किस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो बेटा इस पूरे चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा पढ़ा है कि किस तरह से हम डाटा को क्या करते हैं क्लासीफाई करते हैं और कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूज़फुल रहे और आप इससे अच्छे से नोट्स बना पाएँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।